अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 8, मैं फील्ड में निकल चुका हूँ और फर्स्ट में मैंने आज जो केस देखा है वो बकरी को देखा है और बकरी को भी ऐसी डिजीज हुई है जो आप समझ नहीं सकते। उसको पीलिया हो गया है जो हम आप फील्ड में देख रहे हैं, किसान भाई के यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज हमने जो बकरी देखी है फील्ड में, ये तोता परी है और ये लगभग 5 दिन से बीमार चल रही है और 2 से 3 दिन 2 डॉक्टर फिलहाल इसको देख चुके हैं और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी नाजुक हो चुकी है। अब हम इसका सबसे पहले हमने इसको टेम्परेचर लिया है और टेम्परेचर लेने के बाद हमने इसकी कुछ आँखें चेक करी हैं, रेटिना चेक करी हैं, जिनमें ब्लड की वेसल्स जो है बिल्कुल पीली पड़ गई हैं, डाउन पड़ गई हैं। तो इसको जो जब ब्लड की वेसल्स आंखों में पीली पड़ जाएंगी या रेटिना पीली पड़ जाएगी, ब्लड नहीं होगा उनमें, तो उस कंडीशन में हम इसको पीलिया मानते हैं और इस कंडीशन में बकरी जो है चलने में असमर्थ हो जाती है, यानी कमजोरी बहुत ज़्यादा मानती है, खून की कमी हो जाती है और लड़खड़ा के कभी कभी चलती है और 1 से 2% इसमें ब्लड प्रोटोजोआ के क्या नाम है कंडीशन भी होती है, यानी ब्लड प्रोटोजोआ सर्रा टेटनासोमेसिस भी होता है। तो इसमें हमने इस चीज़ों का दोनों का इलाज कराया है और साथ में लगभग 2 से 3 दिन हम इसको मल्टीविटामिन चलवा रहे हैं। मल्टीविटामिन जैसे कि अब हमने फिलहाल इसको इंड्रोफ्लॉक्सासिन देख रहे हैं आप और साथ में एविल है और एक इंजेक्शन और है जिसको बोलते हैं बेरिनिल बोलते हैं, जो रखा हुआ है जो डिमिनेजिन एसिचुरेट होता है जो सर्रे में हम लोग ज़्यादातर बकरियों में और बकरों में यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल हमने जो लोड कराया है ये है इंड्रोफ्लॉक्सासिन। अगर इसकी जगह आप इंड्रोफ्लॉक्सासिन इसमें जो साल्ट होता है नहीं मिले तो एक ब्रांड जो नेम होता है वो फोर्टीवीर होता है जो 30 ml का भी आता है। तो अभी फिलहाल हम इसको सिरिंज में लोड कर रहे हैं, अच्छी तरह सिरिंजों को धो रहे हैं। कभी भी आप इंजेक्शन लगाएं तो इंजेक्शन लगाने से पहले अच्छी तरह सिरिंजों को धो लें तभी उसको लोड करें। तो साथियों, ये कमी जो होती है ब्लड प्रोटोजोआ के कारण भी होती है, यानी खून की कमी हो जाती है जिसमें जो माइक्रोफ्लोरा होता है यानी खून का जो कीड़ा होता है वो खून को चूस लेता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बकरियों में कम हो जाती है, जिससे जो है बीमारी हावी हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल इसका इलाज कर रहे हैं और जब आप पेरिनिल लगा रहे हैं, अपने इलाज कर दिया तो लगभग 12 से 24 घंटे के लिए पशु जो है खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और सुस्त हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमने लोड कर रहे हैं इंजेक्शन अच्छी तरह इसको और उसके बाद हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे और देख सकते हैं आप अभी प्रैक्टिकल हमने आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको इंजेक्शन लगाए हैं। थोड़ा मिस डोज होने के कारण हमने दूसरे सिंग में इसको लोड करा है और साथियों हम पूरे स्ट्रगल के साथ काम करते हैं और लगभग ये मेरे घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में मैंने ये केस देखा है और काफ़ी अब हम आपको इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जैसे जैसे इन्होंने हमें कॉल रिकॉर्डिंग करी थी। अभी फ़िलहाल हमने इंजेक्शनों को लोड करते समय किसी प्रकार की एयर्स एंड बबल्स नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो अगर इंजेक्शन में एयर या बबल्स हो जाएगी तो गांठ पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं गर्दन में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि एयर्स और बबल्स का ज़रूर ध्यान रखें, पूरी तरह उसको निकाल लें। और बकरी देखें फिलहाल ये खड़ी है इस कंडीशन में और बकरी इंजेक्शन लगाते समय सावधानी ये रखें कि बकरी या बकरा कोई अच्छी तरह हिले जुले नहीं, उसको पकड़वा लें क्योंकि गांठ किसी भी तरह की गांठ जना बने सिस्ट ना बने। तो अभी हम फिलहाल इसको एयर निकाल रहे हैं और सबसे पहले हमने इसको देना है बेरिनिल। इसको हमने सबसे पहले आप अच्छे मुलायम मांस को देख लें कि मुलायम मांस होना चाहिए, जहाँ पर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी प्रकार की हड्डी वगैरह ना हो ये महसूस कर सकते हैं। और 90 डिग्री के एंगल पे इसको आप इंसर्ट करें सुई को, तभी इंजेक्शन लगाएं और एयर्स का ज़रूर ध्यान रखें कि एयर्स पूरी तरह निकाल लें लगाने से पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरफ लगा दिया है और दोनों सिंजों को मैंने इसको निडिलों को इनको चेंज करके इंजेक्शन लगा रहा हूं फिलहाल और सबको हल्का हल्का इसकी एयर निकाल रहा हूं मैं इंजेक्शन लगाने के बाद, देख सकते हैं। तो साथियों अगर ये कंडीशन होती है किसी भी बकरे में डिजीज होती है तो इस तरह से ही आप इसका इलाज करें। अगर साथियों इस तरह का आपको केस मिले फील्ड में यानी जॉइंटिस का या ब्लड प्रोटोजोआ का, तो इसमें हमें कुछ बकरी को ताकत की चीज़ें खिलवानी है, यानी जैसे कि गन्ने का रस खिलवाना है
पिलवाना है उसको 4 से 5 दिन। तो बकरी का जो जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में 3 से 4 दिन लगातार मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगवाने हैं, यानी ट्राइवेट या टोनोफॉस्फोन। और ध्यान ही रखें, अगर ब्लड प्रोटोजोआ के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, मैं उसको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथ ही वो ये 4 से 5 दिन लगते हैं इसको ठीक होने में, और ये बहुत क्रिटिकल केसेस होता है। इसमें पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी मानने लगता है। अगर जब बैरेनिल आप लगा रहे हैं, जो सर्रे का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इसको लगाने के बाद इससे 24 से 36 घंटे बकरा या बकरी खाना पीना छोड़ देता है और सुस्त हो जाता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये ठीक हो जाता है ज़्यादातर। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।